साइड में हो जाओ थोड़ी, ठीक है डालेंगे फिर लगाएंगे, साइड हो जाओ एक बार। कितना बड़ा हो जाएगा? आपसे भी बड़ा हो जाएगा। नहीं पानी डालोगे तब होगा, ऐसे तो नहीं होगा। रोज डालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कैसा लग रहा है बच्चों? मजा आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बड़े अच्छे बच्चे हैं। कैसा लग रहा है बेटा? पौधे लगा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। इसका ध्यान भी रखोगे क्या? हाँ ये याद रखना आपने लगाया। इसको इसको निकाल लो, इसकी थैली को काट लो। आप ऐसे करो, यहाँ रखो, यहाँ रखो इसको। हाँ इसका ये तरीका नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, इसको यहाँ से काट लो ऐसे, ठीक है? धीरे धीरे फिर लगाओ। साइड में मिट्टी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ध्यान रखना इसका। कोई बात नहीं, ये बच्चे पौधे लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको बेटा? बहुत बढ़िया। पौधे का ध्यान भी रखोगे? हाँ ठीक है। इसमें मिट्टी डाल दोगे? डाल दो मिट्टी डाल दो। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे आ जाओ मेरे पास। बेटा तो बनाओ बेटा, उधर 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 देखो, उधर देखो, उधर देखो सर की तरफ, वो उधर करो बेटा, और काटना पड़ेगा। तो नहीं खिंचानी, थोड़ा खट्टा खट्टा थोड़ा। आ जाओ राहुल जी, आ जाओ साल जी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सुता कर दबाओ, साल जी ना हो, साइड में दबाओ इसको। साथ हैं समाज सेवी बुढ़ानिया जी, रतिराम जी। और किस तरीके की ये मुहिम है, किस तरीके से पेड़ों और अन्य समाज सेवा के काम किए जा सकते हैं? ये प्रिंसिपल साहब और स्टाफ सबकी देन है। पौधा रोपण एक कार्य अच्छा कार्य है और उसके लिए बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं। आगे भविष्य में इनको पौधा रोपण की सुविधा दो, इनका फायदा मिलेगा, पर्यावरण में मिलेगा। वो ये आज जो काम शुरू कर रहे हैं इसका आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टाफ और गांव के लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। और मेरा इनसे यही अनुरोध है कि जिस तरीके से ये पौधे लगाए हैं उसी तरीके से इनके सार संभाल भी अच्छे तरीके से करवाए। और गांव का अगर कोई सहयोग चाहता है तो इनको स्टाफ को देने के लिए गांव के लोग भी सब तैयार है। धन्यवाद। गांव का सहयोग है तभी ये पेड़ पौधे अभी देखे हैं, 5 साल में सबने मिलके काम किया है, लगातार देखभाल की है, तभी ये विकसित हुए हैं। उस हिसाब से ये बच्चा पहले भी हरित्रपुरा से जुड़ा हुआ है और
फिर ये वृक्षारोपण में उसका दिन है, कल था। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। पहले भी लगाए आपने पौधे? बहुत लगाया। शौक है आपको? कैसा लगता है? और इसका आगे ध्यान भी रखोगे आप या आज लगा के चले जाओगे? रखेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। पानी हम डाल रहे हैं, पानी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार लगाया क्या? पहली बार पौधा लगाया आपने? हाँ जी। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये वृक्षारोपण का अभियान रतनपुरा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में बच्चे, विद्यार्थी, संस्था स्टाफ और जनप्रतिनिधिगण, गांव से जुड़े लोग यहां मौजूद हैं। और इस वृक्षारोपण अभियान की जो शुरुआत है अब इस खड्डे से हो रही है और काफी बच्चे यहां पर मौजूद हैं। मौजूद है। एक बुजुर्ग महिला जो पेशेंट है और गंभीर अवस्था में है, उसके बावजूद ये अपनी जो वृक्षारोपण की मुहिम को लगातार बना रही है और उसमें उसकी शुरुआत उनके हाथों से की जा रही है। कल्याण संस्था द्वारा सपने करे साकार, जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सहायता के लिए प्रतिबद्ध, और आज वृक्षारोपण महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल रतनपुरा में ये किया जा रहा है। सुरेंद्र जी।